sister feeling, jo shayad hamesha ek one of the most, I think they'll be one of the most special days of our lives, and uske liye ek bahut special thank you Vijay sir ko, definitely, and Larwani sir ko, kyunki inhone wo ek confidence Shoaib mein dikhaya ki yes, he will carry Kamraj on his shoulders successfully, and ab wo ye batayenge aur wo aap batayenge ki Shoaib kitna justice kar paaye, and yeah, that's bahut nervousness hai, bahut excitement hai ki kal aap sabka reaction aur janta ka reaction kya hoga, kyunki हम जब ये कुछ एंटरटेनमेंट कुछ भी हम लोग करते हैं तो मेन रिएक्शन जो है वो हमारी जनता का होता है और वही हमें जज करने वाली है, तो बस उसी का इंतजार है। फिल्म को आगे पीछे कर ले, क्योंकि काफी दिन आपको कि आगे को पीछे कर लिया, डेट्स को चेंज कर। मैं सब बहुत डिस्कशन था ये सब नवंबर के महीने में कि डेट्स कौन सी होनी चाहिए, और जब तक दिसंबर आया तो बहुत सारी चीज़ डिस्कस हो रही थी, और बहुत हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बोला मुझे स्क्रिप्ट पे मेरी फिल्म पे पूरा भरोसा है, वी गो ऑन द लिम, वो कहीं बैकआउट नहीं होगा। एक्चुअली पर उरी का डेट हमारे बाद अनाउंस हुआ है, हम लोग ने जब डिसाइड कर लिया था कि 11 जनवरी को हम लोग रिलीज करेंगे, और उसके लिए हमने अपनी मार्केटिंग और वगैरह वगैरह सबको सारा तैयारी कर ली थी, उसके बाद उरी आई है एक्चुअली पिक्चर में। हमारे बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोड्यूसर की तारीफ कर रहा हूँ, ये क्या बोल रहा हूँ, नहीं नहीं काट उनका, काट 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 नहीं काट, ये काट देना, ये हमारे सच्चे हैं, एक्टर हैं। नहीं सोए पर जब आपको पता चला कि डेट 11 है, सर मेरा भी जवाब वही होगा जो ब्रिजेश सर का है, बट मैं एक चीज़ बोलूँ कि हम दोनों का कंटेंट बहुत अलग है, वो रियलिस्टिक पूरी फिल्म है कि सर्जिकल स्ट्राइक पूरा कैसे हुआ, और हमारी फिल्म आपने देखा होगा फुल फिक्शन है, इसमें मसाला है, बॉलीवुड है, वॉर भी है, और साथ में क्रिकेट भी है, तो हम दोनों का जॉनर बहुत डिफरेंट है, और हम भी सबसे उम्मीद यही करेंगे और यही आप सबसे वादा करते हैं कि आप निराश नहीं होंगे हमारी फिल्म देख के, तो कल जाइए देखिए। नहीं मैंने बोला ट्रू, नहीं प्रोड्यूसर साहब कुछ कहना चाहते हैं, सेम आंसर प्रोड्यूसर साहब को पीछे ना प्लीज, पैसे लगेंगे बोल रही नहीं सर, आप पूछेंगे तो। अच्छा आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है, महसूस हो रहा है क्या बात, कल 11 फरवरी? नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये पिक्चर मेरा एक सपना था जो कल रिलीज होने जा रही है, और इस सभी टीम का बहुत साथ रहा है मेरे साथ, और बहुत प्यार दिया है इन्होंने मुझे, और बस इतना बोलना चाहूंगा। इनके पेट में 2 दिन से 3 दिन से बटरफ्लाई दौड़ रहे हैं, ही इज इनटू अ डिफरेंट जोन ऑल्टोगेदर, कि आपको नींद नहीं आ रही, सुबह 5:30 बजे उठ के फोन कर रहे हैं 11 तारीख का। एक्चुअली हमारे सर जो है ना वो एक्सप्रेसिव थोड़े कम है, ये शब्दों में कम बयां कर पाते हैं, आप इनकी आंखें देख सकते हैं, आंखें इनकी सब कुछ बयां कर रही हैं कि आज ये क्या फील कर रहे हैं। क्योंकि आप क्या कहना चाहेंगे, आपका फिल्म को कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि आप भी प्रमोट कर रहे हैं फिल्म को, तो इस चीज को लेकर फिल्म को कितना फायदा होगा? मेरा कोई फायदा नहीं होगा इस फिल्म को, इट इज जस्ट जैसे आप लोगों ने देखा था जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर थी, तो मुझे जिस तरह से शोएब ने सपोर्ट किया, आई थिंक वो एक स्ट्रॉन्ग मेरे सपोर्ट की तरह खड़े रहे, और मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि इस वक्त मैं थोड़ा मेरा यहाँ रहना थोड़ा भी इस फिल्म को अगर आप कह रहे हो सपोर्ट करता है, मेरा ये नज़रिया नहीं है। मुझे लगता है एज अ कपल हम हमेशा हैंड टू हैंड चले हैं, एंड आगे भी इंशाल्लाह हमेशा हम लोग हैंड इन हैंड चलेंगे, डेफिनेटली ये बात कही जाती है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, बट आई थिंक इट्स वाइस वर्सा ऑल्सो, अगर एक कपल एक दूसरे के पीछे खड़ा रहे तो दे आर डेफिनेटली इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ दे विल ओनली विन, एंड आई एम श्योर ये फिल्म जो ऑडियंस खींचेगी वो सिर्फ अपने दम पे, ये जो पूरी टीम है इनके मेहनत के दम पे, उसके कंटेंट के दम पे एंड परफॉर्मेंस के दम पे, एंड आई एम जस्ट हियर टू कीप माय ओपिनियन एंड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी की गाइस प्लीज गो वॉच, इट्स श्योर हार्डवर्क जो सबने किया है, सो प्लीज जाइए देखिए, आप निराश नहीं हो। थैंक यू दीपिका, इन्होंने भरोसा किया मुझ पर कि हाँ ये शख्स नरेंद्र मोदी के लिए फिट है, अब ये इनकी नजरें थी और मैंने इनके भरोसे को तोड़ा भी नहीं। या यार ये बात सही बात है, क्या बात है, और शानदार है। मैंने जब तक फर्स्ट टाइम आपके पास स्क्रिप्ट आई थी और कहा गया था कि आपको ये किरदार करना है, मोदी जी का किरदार करना है, एबीपी न्यूज चैनल में 7 RCR में नरेंद्र मोदी गौरव मैंने किया था, लेकिन टीवी शो और फीचर फिल्म में बहुत फर्क होता है। एक रेस्टोरेंट में आप कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे हमारे डायरेक्टर साहब, तो मुझे पता लगा कि ये फिल्म बना रहे हैं आदमी की,
मैंने कहा मैं भी बोलूँ, तो किसी साहब ने कहा कि ये मोदी का भी इन्होंने किया है, तो आप बोले कि मैं नरेंद्र मोदी का करेक्टर डालना चाहता हूँ अपनी फिल्म में। मैंने कहा सर मैंने ऐसे शो किया था, ये बोले आप मेरे ऑफिस आइए, एक ऑडिशन करूँगा। मैंने ऑडिशन किया और ऑडिशन देखने बाद डायरेक्टर साहब ने इतना कहा था कि कोई मैच नहीं, आप डन। इज अ ब्रिलियंट एक्टर थ्रू आउट। जब इनको पहली बार मिला था तो रेस्टोरेंट में उन्होंने बताया था कि मैं मोदी करता हूँ, इन्होंने क्लिपिंग दिखाई थी। मित्रों ये जो फिल्म है इसे आप लोग देखें और सराहें कि हमारे ब्रजेश त्रिपाठी जी ने ये जो फिल्म बनाई है ये पूरे हिंदुस्तान में एक नया आयाम रोशन करेगी, नया नाम रोशन करेगी। ये थोड़ा आज इमोशनल है, थोड़ा भावुक है। स्टोरी सुनिए, मेरी स्टोरी थोड़ी ऑपोजिट है क्योंकि सारे ऑडिशंस बहुत अच्छे हुए थे, एक मेरा कैरेक्टर था, मैंने सबसे गंदा ऑडिशन दिया था। सर ने कहा मैं तेरे को कास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तेरा ऑडिशन सबसे खराब है क्योंकि मेरा कैरेक्टर ही वैसा है। मैं कहता ये तो मैं अच्छी बात समझू कि बुरी बात समझू, तो मुझे ये बड़ा याद है। और बलबीर का जो कैरेक्टर है बेसिकली इट्स नॉट अ पर्सन हु थिंक्स मोर एंड सेज, वो बोलता है और सोचता भी नहीं है, तो एक जो कैरेक्टर इनका फ्लो रहता है वो चलते चलते चले जाता है, चलते चले जाता है, वही चाहिए था। और एक इनोसेंस की जो डेथ होती है इंटरमिशन में, जो बलबीर की डेथ होती है, दैट वुड बी मोर शॉकिंग। और उसके एक सीन पहले आप एक देखते हैं कि वो अपने बच्चे से बात करता है क्रिकेट बैट खरीदने के लिए और वो क्रिकेट बैट जो खरीदा रहता है उसी क्रिकेट बैट की डेथ होती है उसकी। तो बलबीर का जो कैरेक्टर था दैट वॉज मोर वेरी लाइट कि मुझे ऐसा कोई एक्टर नहीं चाहिए था जो मेथड एक्टिंग करे या कोई सोच के एक्टिंग करे या बिलीव करके एक्टिंग करे, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जो टेबल पे, हाँ, जो टेबल पे इनोसेंस लेके आया, हाँ, जो टेबल पे इनोसेंस, हाँ, इनोसेंस लेके आया। बाकी हमने तैयारी बहुत करी है, तैयारी बहुत करी है, याद है 45 दिन बीकानेर में वो सुबह उठना, मुझे याद है इवन वहाँ पे टॉयलेट तक नहीं होते थे, तो वो जो पूरे एक हमने 45 दिन गुजारे हैं बीकानेर में बहुत ज़्यादा था। आज जो रिएक्शन मिला है सबसे तो लगता है कि फाइनली फिल्म आ गई है, तो बहुत खुशी हो रही है। और मैं सबको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि बटालियन 609 कल आ रही है 11 जनवरी को, प्लीज़ सब देखें, बड़ी प्यारी फिल्म है और दिल को छुएगी। आप करीम आजी हमारे मित्र हैं और इन्होंने एक जनरल की भूमिका निभाई है। हम तीन एक्टर हैं, राज, मैं और चंद्रप्रकाश ठाकुर, इन्हें हम प्यार से सीपी बुलाते हैं। तो डायरेक्टर साहब ब्रजेश भाई ने हमें गाइड किया, एक ग्राफ दिया हम तीनों को ताकि हम वो किरदार आगे ले आए बिना टकराए एक दूसरे से। बहुत मज़ा आया। ब्रजेश हमारे बहुत पुराने दोस्त है, वो राइटर है, डायरेक्टर है, और उन्होंने मुझे फिल्म नरेट की थी और मैंने ब्रजेश से कहा था ब्रजेश ऑल द बेस्ट, आप पॉजिटिव एनर्जीज आ विथ यू। पहले शेड्यूल में हमारा रोल नहीं था और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये फिल्म में भी रोल नहीं मिल पाएगा, और फिर पहली शेड्यूल ख़त्म हुई और फ़ोन आया ब्रजेश का, करीम वी आर स्टार्टिंग द सेकेंड शेड्यूल, आ जाओ। एंड सी पी एंड मी एंड हम इकट्ठा बहुत काम किए हैं, बहुत मज़ा आया। फिल्म में एक सरदार जी साहब का रोल प्ले करने का मौका मिला है और हमेशा देखा गया कि इंडियन आर्मी में सरदार जियों ने बहुत बहुत अहम भूमिका निभाई है, और मुझे मौका मिला और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, बिकॉज मैं शेव नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं कंटिन्यूटी में हूँ, दूसरे जगह भी काम ढूंढते एक्टर्स हम सब। उन्होंने कहा करीम आप सरदार जी बन जाओ और ये रोल आप ही को करना है। मैंने कहा ब्रजेश मैं पंजाबी नहीं बोलता इतनी अच्छी, बोले नहीं आप एक डिग्निफाइड जनरल हो, आप इंग्लिश में बात करोगे और आप बिल्कुल एक एजुकेटेड और एक वेल बिहेव्ड जनरल हो। ब्रजेश थैंक्स अ लॉट ब्रो।